नवो भारत ट्रेन में आपका स्वागत है। नमस्कार जी दोस्तों, अभी फ़िलहाल हूँ मैं मेरठ साउथ, जहाँ से आपका RRTS स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से जा रहा है बिल्कुल आपका साहिबाबाद तक। और पहले आपको पता होगा कि साहिबाबाद से मोदी नगर नॉर्थ तक आता था, जिसका डिस्टेंस होता था 34 किलोमीटर, और अभी 8 किलोमीटर का स्ट्रेच और बढ़ा दिया गया जो कि मेरठ साउथ तक हो गया। तो आप लगा लो ऑलमोस्ट आप मेरठ एंट्री कर ही गए। तो आज जैसा कि पीछे आप देख सकते हो, हम हैं मेरठ साउथ में और यहाँ से आज हम जर्नी करने वाले हैं साहिबाबाद की तरफ। और पूरा डिटेल बताऊंगा गाइज कि कितना यहाँ से फेयर लगता है, कैसे आप टिकट वगैरह बाई कर सकते हो, सारी डिटेल भाई बने रहना वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही आपको काफ़ी जानकारी इसमें मिलेगी, पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे आप ट्रैवल कर सकते हो, टिकट प्राइस वगैरह सब कुछ। तो भाई वीडियो एंड तक ज़रूर देखो। चलो फिर फटाफट से शुरू करते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छी खासी पार्किंग मिल जाती है फोर व्हीलर और टू व्हीलर की। यहाँ से एंट्रेंस है और यहाँ से हम चलते हैं, एंट्री करते हैं और फिर टिकट वगैरह बाई करके आपको सब दिखाता हूँ। यहाँ से कुछ आपको एंट्री जाता है, यहाँ से एंट्री और टिकट और प्लेटफॉर्म आपका राइट साइड में दिखा रहा है। टिकट गाइज आप दो तरीके से बाई कर सकते हो, तो वेंडिंग मशीन से, दूसरा आप टिकट काउंटर से भी ले सकते हैं। वेंडिंग मशीन से लेंगे तो आपको ऑनलाइन जो है पे करने का ऑप्शन वगैरह आएगा, जो कि आप खुद पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो लाइन लगी ना, कार्ड वगैरह के लिए इधर और कैश के लिए इधर। अभी हम यहाँ पे हैं और ये फिर हम जाएंगे सीधा साहिबाबाद तक, ठीक है। इतना अभी ऑपरेशनल है और चलते हैं फिर टिकट वगैरह फेयर वगैरह सब बताता हूँ आपको। बाकी गाइस आपको टिकट फेयर वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा, ये आप पास करके देख लेना, जो भी टिकट फेयर वगैरह होगा इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर यहाँ से कैश में मिल जाएगा, कार्ड में भी मिल जाएगा। बाकी वेंडिंग मशीन इधर लगी है, तो आप अगर ऑनलाइन खुद से बाई करना चाहते हो तो यहाँ से बाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई नहीं दोस्तों, मैं आपको बाई करना दिखा देता हूँ। यहाँ पे आएगा बाई टिकट एंड NCMC ऑपरेशंस, बाई टिकट कर देना आप। स्टैंडर्ड प्रीमियम दो ऑप्शंस आते हैं, प्रीमियम आपको पता है जिसमें लॉन सर्विस वगैरह मिल जाती है, थोड़ा कॉस्टली होता है, हम स्टैंडर्ड लेंगे अभी। स्टैंडर्ड में फिर यहाँ पे आपको ये चूज करने का आ जाएगा, जिस स्टॉप पे आप जाना चाहते हो उस पर टैप कर दो, हम जाएंगे साहिबाबाद, ठीक है। यहाँ फिर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ये देखो साहिबाबाद का 110 रुपये दिखा रहा, तो हम साहिबाबाद अभी चूज कर लिए, ठीक है। सिंगल जर्नी टिकट, जितने टिकट्स लेने हैं नंबर्स आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, तो मैं अभी एक टिकट चूज करूँगा। फिर ये ऑप्शंस आ जाते हैं गाइज, बैंक कार्ड, UPI वगैरह, हम UPI यहाँ पे चूज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब स्कैन करके आप पे कर सकते हो। दोस्तों मैंने पेमेंट कर दी, अब यहाँ पे आपका टिकट आ जाता है, आप यहाँ से टिकट अपनी निकाल लो। बाकी रिसिप्ट प्रिंट करना चाहते हो तो रिसिप्ट भी प्रिंट कर सकते हो, इसको मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से आपकी टिकट मिल जाती है, इस पे QR कोड होता है जिसे स्कैन करके आप एंट्री कर सकते हो। और यहाँ पर लिखा मेरठ साउथ से लेके साहिबाबाद तक 110 रुपये सिंगल जर्नी टिकट। बाकी जो मैंने बताया गया है कि अगर आप प्रीमियम टिकट बाई करते हो तो उसकी अलग से एंट्री होती है, यहाँ से आप देख सकते हो ये प्रीमियम लॉन्च, जहाँ पे कुछ इस तरह से बैठने की फैसिलिटीज़ मिल जाती है, न्यूज़पेपर वगैरह सब मिल जाते हैं। अब हम एंट्री करते हैं इसमें, आ जाओ भाई। कुछ इस तरह से देखो सीट पे सुविधाएं वुविधाएँ मिल जाती हैं भाई, चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है, ये सारी डिटेल अभी बात करेंगे बाद में। बाकी यहाँ पे डिस्प्ले होता रहेगा, जो भी आपका स्टॉपेज वगैरह आता है, स्पीड लिमिट्स वगैरह सारी यहाँ पे डिस्प्ले होती हैं। कुछ इस तरह से सीटिंग का अरेंजमेंट है यहाँ पर, दो सीट करके, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको मिल जाएगा चार्जिंग पोर्ट USB वाला, तो आपके पास अगर केबल वगैरह है तो आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। साइड में आपको हैंड रेस्ट भी मिल जाता है, ठीक है, इस तरह से एक ही है, दोनों सीट के लिए एक ही है भाई, तो मैनेज कर लेना। बाकी इसके लिए इधर से है और छोटा सा एक स्पेस मिल जाता है, पता नहीं क्यों दिया है। नवो भारत ट्रेन में आपका स्वागत है, हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद रहे। ये ट्रेन साहिबाबाद तक जाएगी।
अगला स्टेशन मोदी नगर नॉर्थ। तो फिलहाल गाइज अभी अपनी ट्रेन यहाँ से निकल दी है मेरठ साउथ से, और ये है दिल्ली मेरठ RRTS जिसे कहते हैं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, और ये फिलहाल अभी ऑपरेशनल हो चुका है दिल्ली मेरठ साउथ से लेके साहिबाबाद। पहले ये चलती थी साहिबाबाद से लेके मोदीनगर नॉर्थ तक, तो अभी 8 किलोमीटर का स्ट्रेच इसका बढ़ा दिया गया है, तो वही मैं कवर करने आया था। फिलहाल टिकट प्राइस की बात करेगा, जैसा कि मैंने बताया आपको 110 रुपये हैं स्टैंडर्ड का, बाकी प्रीमियम का आप चेक कर लेना जो भी हो। यहाँ से जर्नी काफ़ी सही है, काफ़ी स्मूथ है, अभी स्पीड वगैरह भी इसकी चेक करेंगे मैक्सिमम कितनी स्पीड तक जाती है। मैक्सिमम वैसे इसका 150 से 160 तक है, आज हम ये भी चेक करेंगे कि कितनी स्पीड देती है। बाकी दोस्तों बात करें तो इसे ही नमो भारत ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, या रैपिड एक्स या फिर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS। बाकी दोस्तों बात करें तो ये जर्नी हमने स्टार्ट किया 11:30 बजे, और साहिबाबाद तक पहुंचने पे हम टाइम देखेंगे कि कितना टाइम ये लेती है रैपिड एक्स अपनी, मतलब नमो भारत ट्रेन मेरठ साउथ से साहिबाबाद तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है, ये भी हम देखेंगे पूरे ब्लॉग में। कृपया ट्रेन पे चढ़ते या उतरते समय लाइन में रहें और सह यात्रियों को धक्का ना दें। प्लीज बी इन लाइन एंड डू नॉट पुश द पैसेंजर्स। बाकी गाइज इसमें जौन सा स्टेशन आने वाला होता है, दरवाजे किधर खुलेंगे, लेफ्ट खुलेंगे, राइट खुलेंगे, सारी चीज़ें अनाउंस होती रहती हैं और डिस्प्ले भी होता रहता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, तो काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है इससे एक यात्रा करना। बाकी दोस्तों सीट की कुशनिंग की बात करें तो ठीक ठाक है, ये देख रहे हो रेड कलर में, और प्रीमियम वाला आपको ब्लू कलर में मिल जाता है, दोनों का कलर अलग है। उसमें यहाँ पे पैर वगैरह रखने का मिल जाता है, मैगजीन होल्डर मिल जाता है, बस यही फ़र्क है। बाकी तो मैं कहूँगा भाई अगर आप ट्रैवल कर रहे हो स्टैंडर्ड से ही जाओ, प्रीमियम में ऐसा कुछ नहीं है। ब्लॉग आपको देखना हो प्रीमियम की सीट वगैरह कैसी है तो आई बटन पर टैप करके देख लेना। बाकी दोस्तों बात करें तो आगे जो है साहिबाबाद से आपका आनंद विहार, फिर न्यू अशोक नगर, और उसके आगे सराय काले खां तक बन के तैयार हो जाएगा बहुत ही जल्द, तो आप सीधा सराय काले खां से मेरठ तक जाओगे, ठीक है। बाकी गाइज आप ये स्पीड देख सकते हो 156-157 तक गया था अभी मैक्सिमम। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं साहिबाबाद, और टाइम देख सकते हो आप 12:01, और देख लो भाई 30 से 31 मिनट के अंदर हम पहुंच चुके हैं साहिबाबाद। तो मेरठ साउथ से लेके साहिबाबाद तक आपको
30 मिनट लगने एग्जैक्ट, मैंने आज काउंट करके आपको दिखा दिया। तो दोस्तों कुछ इस तरह से थी अपनी जर्नी जो है मेरठ साउथ से लेकर साहिबाबाद तक, जिसको ट्रैवल करने में हमें लगे 30 मिनट। तो अभी तक का अपडेट ये है गाइस कि मेरठ साउथ से आप साहिबाबाद तक ट्रैवल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 मिनट के अंदर, और स्टैंडर्ड का फेयर होने वाला 110 रुपये। तो टोटल 42 किलोमीटर। आप बताना आपको ये कैसा लगा। बाकी अगर आप मेरठ जाना चाहते हो या मेरठ से साहिबाबाद या दिल्ली की तरफ आना चाहते हो, तो फ़िलहाल के लिए इतना रूट आपका ओपन है। तो आप बताना आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो गाइस तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना ऐसे ही नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। फिर मिलेंगे कुछ नया लेके कुछ नई बातों के साथ। तब तक लिए बाय, जय हिंद जय भारत।